असलम स्टूडेंट्स आई एम जैनब योर साइंस टीचर कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर जो कि है लाइट के बारे में में बिल्कुल लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि कौन से कलर्स कंबाइन करके कौन से कलर्स बनते हैं हमने कॉम्बिनेशन लाइट के भी देखे और पिगमेंट्स के भी मगर मैंने आपको एग्जाम्पल्स नहीं कोट की क्योंकि अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स तो आइए शुरू करते हैं कलर्ड सर्फेसेस बिल्कुल पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कलर्ड सर्फेसेस क्या होते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए जरूरी है कि हमारा surface polished हो plain हो प्लेन और कलर्ड ना हो तभी ऐसा होगा कि सारी रेज रिफ्लेक्ट कर जाए मगर अगर ये सर्फेस कलर्ड हो तो क्या फर्क पड़ता है वाइट लाइट कंटेन ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ये हमने देखा कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से क्रॉस करती है तो हमारी वाइट लाइट डिवाइड हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है सेवन कलर्स में जिसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम अब ये यहाँ इस लाइन में ये बता रहे हैं कि वाइट लाइट में स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स मौजूद हैं तो ये बात तो ऑब्वियस है कि अगर वाइट लाइट स्प्लिट होके कलर्स में डिवाइड करती है इसका मतलब कि ओरिजिनली उसमें ये सब कलर्स मौजूद हैं When this light shines on लाइट शाइन्स ऑन सरफेस सम कलर्स आर रिफ्लेक्टेड are absorbed अब जब ये व्हाइट लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो कुछ कलर्स तो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं मगर बाकी कलर्स एबजॉर्ब हो जाते हैं हमने देखा कि कौन से कलर्स किन कॉम्बिनेशन से बन रहे थे उसकी हेल्प से हम अब देखेंगे कि कौन सा सरफेस कौन सी रेस को रिफ्लेक्ट करता है पहले मेरे साथ रिवाइज करें कि प्राइमरी कलर्स कौन से तीन थे रेड ब्लू और ग्रीन ये बात कर रही हूं मैं लाइट की नॉट पिगमेंट तो आपने ये बात दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि सबसे पहले रेड हम एग्जाम्पल लेंगे रेड सरफेस के ऊपर तीन रेज आ रही हैं. आर रिप्रेजेंट रेड बी रिप्रेजेंट ब्लू एंड जी रिप्रेजेंट ग्रीन मतलब हमारे पास तीन लाइट रेज हैं डिफरेंट कलर्स की जो पड़ रही हैं रेड सर्फेस पे रेड सरफेस सिर्फ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा बाकी दो लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा इसके बार्स अगर ग्रीन सरफेस हम देखें तो उसमें ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होगी और बाकी दो लाइट जो कि है रेड और ब्लू वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी ग्रीन सरफेस विल रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट एंड द रेड सरफेस विल रिफ्लेक्ट द रेड लाइट तो ये बात हमें हो गई क्लियर अब अगर हम देखें कि हमारे पास ब्लू कलर का सरफेस है तो क्या होगा जी बिल्कुल सिर्फ ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होगी बाकी दो एब्जॉर्ब हो जाएंगी अब हम इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए कलर्स के सर्फेसेस देखते हैं कि कौन सा कलर कौन से कलर की रेस को रिफ्लेक्ट करेगा तो आइए दूसरे बोर्ड पर और एग्जांपल्स देखते हैं फर्स्ट so एग्जाम्पल है हमारी मैजेंटा सर्फेस की मजेंडा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड कलर एंड ब्लू कलर इसका मतलब कि रेड कलर की लाइट भी रिफ्लेक्ट करेगी और ब्लू कलर की लाइट भी रिफ्लेक्ट करेगी डायग्राम आपके सामने है रेड ब्लू और ग्रीन लाइट रेस जब मेजेंडा कलर की सरफेस पे पड़ रही हैं तो रेड लाइट इज रिफ्लेक्टिंग ब्लू लाइट इज रिफ्लेक्टिंग बट ग्रीन लाइट विल गेट एब्जॉर्ब इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स मतलब किसी सेकेंडरी कलर को देखते हैं तो उसमें जो जो कलर मिला कर वो कलर बना है उन सब कलर्स की लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और जो कलर उनमें मौजूद नहीं उस कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ सेकेंड एग्जाम्पल इज वाइट सरफेस वाइट सरफेस मतलब वाइट लाइट वाइट लाइट में तमाम कलर्स लाइट्स मौजूद होती हैं। ये हमने प्रिज्म पढ़ते हुए और स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए ही समझ लिया था कि वाइट लाइट में हर कलर की रेस मौजूद है इसका मतलब कि ये सब तरह की रेस को रिफ्लेक्ट करेगी और कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइट जब पड़ रही है वाइट सरफेस पे तो तीनों लाइट रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं इसके बिल्कुल बरअक्स ब्लैक सरफेस अगर हम चाहते हैं कि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो तो वी विल गो फॉर अ ब्लैक सरफेस, क्योंकि ब्लैक सरफेस में और कोई कलर मौजूद नहीं होता और ना ही ये किसी कलर का कॉम्बिनेशन है ब्लैक कलर इज टोटली एब्जॉर्बेंट इस पे जो भी लाइट पड़ेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो अब आपको एग्जाम्पल्स के साथ ज्यादा अच्छी समझ आ गई होगी कि, कि कौन सा कलर कौन सी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और कौन सी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है आपने ये दो बातें जरूरी याद रखनी है कि ब्लैक कलर सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाइट कलर सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है अब आगे जाके एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं थोड़ी डिटेल से साथ ही हम टेबल भी देखेंगे जिसमें कॉम्बिनेशन आपको एक और दफा रिवाइज हो जाएंगे कलर्ड लाइट्स अगर हम देखें कि कलर्ड लाइट्स पड़ रही हैं किसी सर्टन कलर के सरफेस पे फॉर एग्जाम्पल पहले हमने देखा रेड कलर के सरफेस पे लाइट पड़ी और रेड कलर की लाइट ही सिर्फ रिफ्लेक्ट हुई अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक रेड कलर की गाड़ी है और उसके ऊपर हमारे पास व्हाइट लाइट पड़ रही है उसमें से ऐसा कौन सा कलर है कि जो रेड कार का सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा बिल्कुल वो है रेड कलर तो मतलब रेड कलर ये गलत रिफ्रैक्शन शो किया गया है ग्रीन कलर विल गेट एब्जॉर्ब एंड रेड कलर विल रिफ्लेक्ट जिस तरह के हम बिल्कुल पिछले लेक्चर से अब तक तीन दफा पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में कि रेड कलर का सरफेस सिर्फ रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा बाकी तमाम कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी यही होगा और ये याद रखिएगा कि जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस कलर का ऑब्जेक्ट हमें नजर आता है अब जाते हैं अपने टेबल की तरफ ऑब्जेक्ट कलर रिफ्लेक्टेड लाइट एंड एब्जॉर्ब लाइट अगर हम देखें कि ये रेड कलर की कार रेड के बजाय ब्लू है तो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा बिल्कुल ये कलर होगा ब्लू ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर जाएगा और ग्रीन और रेड कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लू कलर की कार हमें ब्लू कलर की ही नजर आएगी इसके अलावा है ग्रीन कलर ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट भी सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी दो प्राइमरी कलर्स मतलब ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा थर्ड एग्जांपल रेड। रेड कलर हमने अभी ऊपर भी पढ़ा रेड कलर का ऑब्जेक्ट सिर्फ रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी दो प्राइमरी कलर्स मतलब ब्लू और ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा अब जाते हैं कॉम्बिनेशन मतलब सेकेंडरी कलर्स की तरफ सायान कलर जो के बनता है ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से ये ब्लू लाइट को भी रिफ्लेक्ट करेगा और ग्रीन लाइट को भी रिफ्लेक्ट करेगा बिल्कुल यही यहाँ पर मेंशन है अब बची एक लाइट जो कि है रेड तो सायान कलर रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा इसका मतलब बाकी दो कॉम्बिनेशन मतलब बाकी दो सेकेंडरी कलर्स के साथ भी यही होने वाला है बिजेंडा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड रेड कलर इसलिए बिलजेंडा विल रिफ्लेक्ट द ब्लू लाइट एज वेल एज द रेड लाइट और एब्जॉर्ब होगी हमारे पास ग्रीन लाइट लास्ट एग्जाम्पल है येलो लाइट की येलो लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन प्लस रेड इसका मतलब ग्रीन लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड रेड लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड मगर ब्लू लाइट इट विल एब्जॉर्ब ठीक है अब हमने पूरा टेबल पढ़ लिया और इसकी एग्जाम्पल देख ली अब मैं ये देखना चाहती हूं कि आप लोगों को कितनी अच्छी तरह समझ आया है इन कॉम्बिनेशन के बारे में इसलिए एक एक्सरसाइज करेंगे और आप लोग मेरी हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने में तो आइए चलते हैं अपने लास्ट बोर्ड की तरफ ये है आपकी एग्जाम्पल जिसमें लिखा है द शर्ट विल लुक इसका मतलब है कि ये शर्ट जो कि ओरिजिनली है येलो कलर की वो हमें किसी और कलर की नजर आने लगी है आइए देखते हैं कैसे हमारे पास जो लाइट पड़ रही है वो हमारी सिंपल लाइट मतलब व्हाइट लाइट नहीं है वो है सायन लाइट और अभी हम टेबल में पढ़ के आए हैं कि सायन कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर अब ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन पड़ रहा है एक येलो कलर की शर्ट पर येलो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स रेड एंड ग्रीन अब आपने ये भी पढ़ा कि जो कलर किसी भी कॉम्बिनेशन में मौजूद होगा वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा इसका मतलब हमारे पास दो रेज आ रही हैं। एक है ब्लू लाइट की और एक है ग्रीन लाइट की। अब हमारे पास यहां पर येलो शर्ट मौजूद है येलो शर्ट इज अ कॉम्बिनेशन मतलब येलो कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन अब ये रेड को भी रिफ्लेक्ट करेगी और ग्रीन को भी रेड लाइट हमारे पास यहां पर है ही नहीं हमारे पास मौजूद है ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट इसका मतलब इसमें से जो ग्रीन कलर है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी और ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी और अभी मैंने आपको बताया कि जिस कलर को ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है वो उसी कलर का हमें नजर आता है वट डू यू थिंक द शर्ट विल लुक एग्जैक्टली द शर्ट विल लुक ग्रीन मैं एक और दफा आपके लिए रिपीट कर देती हूँ हमने देखा कि सायन लाइट पड़ी जिसमें कॉम्बिनेशन है दो कलर्स का ब्लू और ग्रीन का पड़ रहा है येलो ऑब्जेक्ट पे येलो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन इसका मतलब ग्रीन कलर यहां से इन दो रेज में से रिफ्लेक्ट कर जाएगा और जो कलर रिफ्लेक्ट करता है उसी कलर का ऑब्जेक्ट हमें नजर आता है इसकी एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हमारे लाइव थिएटर्स। जब हम थिएटर में किस, देखने जाते हैं किसी किस्म का ड्रामा तो वहां लाइट्स डिफरेंट कलर की मौजूद होती हैं। वो सिर्फ अपने एक्टर के कपड़ों के कलर को चेंज करने के लिए लाइट का कलर चेंज करते हैं और उनके कपड़े हमें डिफरेंट कलर के नजर आने लग जाते हैं अगर आपने अब तक ये नोटिस नहीं किया तो अब जरूर जाके कोई लाइव थिएटर अटेंड करें और ये नोटिस करें ताकि आपको कभी भी ये कॉन्सेप्ट मत भूले तो आज के लिए इतना ही इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर टेन आज एंड होता है अगले लेक्चर में हम इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा खुदा हाफिज